हेलो एवरीवन, वी आर डीलिंग विद द बायोलॉजिकल डेटाबेस, इन दैट स्ट्रक्चरल डेटाबेस बेसिकली. सो स्ट्रक्चरल डेटाबेस ऑफ प्रोटीन आर ऑफ टू टाइप. फर्स्ट इज पीडीबी, दैट इज प्रोटीन डेटा बैंक, एंड सेकेंड वन इज कैथ. राइट, सो इन अवर डिस्कशन वी हैव सीन दैट प्रोटीन डेटाबेस इज मेनली आइडेंटिफाई द प्रोटीन बेस्ड ऑन देयर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एंड एनएमआर स्ट्रक्चर. इट हैज़ नो रिलेशन विथ इवोल्यूशन. इन लास्ट वीडियो वी हैव सीन कैथ, डिटेल रिगार्डिंग कैथ डेटा बेस. इन दैट वी हैव फाउंड दैट इन कैथ डेटा बेस स्ट्रक्चरल एज वेल एज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ द प्रोटीन इज आइडेंटिफाई, एंड बेस्ड ऑन दैट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप द प्रोटीन वेर ग्रुप्ड इन टू डोमेन, फैमिली, सुपर फैमिलीज लाइक दैट. ओके, सो let's have quick look over that this is a amino acid sequence that results into the protein structure, secondary structure. So CATH stands for class, architecture, topology and homology. CATS, that makes this is the name CATH. This is the website. It has this much amount of data, and then we have discussed regarding what do you mean by protein family. What do you mean by super families? On which basis the CATH is classifying the protein, and what is domain? अगर आपको ये वीडियो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ऐड किया है. आप वो वीडियो देखो एंड यू विल कम टू नो वॉट एग्जैक्टली मीन बाई CATH. ओके, नाउ लेट सी द ईच क्लासिफिकेशन क्लास ऑफ दिस CATH हायरार्कियल. सो इट इज अ हायरार्कियल स्ट्रक्चर, एंड पीडीबी के जो भी स्ट्रक्चर से प्रोटीन आइडेंटिफाई किया है, दोज प्रोटीन आर क्लासिफाइड इनटू फोर बेसिक लेवल. द फर्स्ट लेवल ऑफ CATH हायरार्की, इट इज अ फोर बेसिक लेवल. द फर्स्ट हायरार्कियल लेवल इज क्लास, दैट इज सी. इन दिस क्लास इट इज मोस्टली ऑटोमेटेड. हियर द अमीनो एसिड सीक्वेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पे कंसिडर होता है. बेसिकली सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है, 90% ऑफ द स्ट्रक्चर जो है वो ऑटोमेटिकली डिफाइन हो ही जाता है कि क्या सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा प्रोटीन का बेस्ड ऑन द अमीनो एसिड सीक्वेंस यूजिंग सर्टेन सॉफ्टवेयर. जिसका नहीं होता है उस वैसे कुछ कुछ प्रोटीन के स्ट्रक्चर को मैन्युअली इंस्पेक्शन से सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है वो दिया जाता है. अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो मेनली अल्फा स्ट्रक्चर होता है, अल्फा बीटा स्ट्रक्चर हो सकता है या फिर बीटा स्ट्रक्चर हो सकता है. दिस बीटा एंड अल्फा आर द मेजर काइंड ऑफ प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर. अल्फा बीटा में बैरल, सैंडविच, प्लेट, ये जो है कुछ अनकॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जिसका अमाउंट बहुत कम होता है. मोस्टली जो प्रोटीन होते हैं दे वेर क्लास्ड एज अल्फा स्ट्रक्चर और बीटा स्ट्रक्चर. राइट, सो इन दिस कैटेगरीज, दैट इज मेनली अल्फा, मेनली बीटा, मेनली अल्फा बीटा, प्रोटीन को सी लेवल पे हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं. राइट, आफ्टर दिस सेकेंड हायरार्कियल यूनिट इज ए लेवल, दैट इज आर्किटेक्चर लेवल. सो ये पूरा जो है वो मैन्युअली होता है. दिस पार्ट इज ऑटोमेटेड. CATH लेवल पे क्लासिफिकेशन एंड ग्रुपिंग जो है वो ऑटोमेशन लेवल पे होता है. ए आर्किटेक्चर लेवल का जो है, दैट इज ए लेवल, वो पूरा मैन्युअली होता है. यहाँ पे क्लासिफिकेशन के अंदर प्रोटीन का ओवरऑल शेप जो है ऑफ द डोमेन इज डिफाइंड. डोमेन क्या है उसका डिस्कशन हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो किया है. आफ्टर दैट ओरिएंटेशन डिफाइन होने के बाद कनेक्टिविटी बिटवीन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज इग्नोर्ड एट ए लेवल क्लासिफिकेशन. राइट, यूजुअली बीटा बैरल, थ्री लेयर स्ट्रक्चर ऑफ सैंडविच, ये वो सारी चीजें जो है वो ए लेवल क्लासिफिकेशन में डिफाइंड होती है. हमें ये याद रखना है कि आर्किटेक्चर लेवल, दैट इज ए लेवल क्लासिफिकेशन में जो भी क्लासिफिकेशन होगा दैट इज मैन्युअल. राइट, नाउ मूविंग टू द थर्ड कंपोनेंट, दैट इज टोपोलॉजी, टी लेवल क्लासिफिकेशन. दिस लेवल क्लासिफिकेशन इज सेमी ऑटोमेटेड. कुछ चीजें मैन्युअली करनी पड़ेगी, कुछ चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली करनी पड़ेगी. यहाँ पे बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज,
the protein are differentiated into the fold families, right? What is protein family that we have discussed in our last lecture of CATH? Kindly observe that video, so आपको ये video में सारी चीजें जो है वो समझ में आएगी. ओके, ओवरऑल शेप क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड कैसे है वो पहले टोपोलॉजी लेवल पे डिफाइन होता है. आफ्टर डिफाइनिंग दैट SSAP एल्गोरिदम के थ्रू उस टोपोलॉजी के हिसाब से प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है वो दूसरे प्रोटीन के साथ जो डोमेन के जो डेटाबेस के अंदर प्रेजेंट है उसके साथ मैचिंग किया जाता है, जिसके साथ भी मैचिंग होगा. इफ SSAP स्कोर, दैट इज मैचिंग स्कोर इज 70 और 60% मैच होता है, सो वो प्रोटीन को एक सिमिलर ग्रुप के अंदर असाइन किया जाता है. दिस इज हाउ द ग्रुपिंग इज डन एट टोपोलॉजी लेवल, राइट. लास्ट इज सीक्वेंस फैमिली लेवल या फिर एस लेवल, जिसको एच लेवल भी कहा जाता है. कैथ में जो CATH है, सो यहाँ पे ये एच लेवल की बात होती है. अगर डोमेन क्लस्टर के अंदर 35% से ज्यादा सीक्वेंस सिमिलैरिटी है, सो उस डोमेन क्लस्टर को सेम सुपर फैमिलीज के अंदर ऐड किया जाता है. दिस इज हाउ इनिशियली हम प्रोटीन का सेकेंड स्ट्रक्चर जो सीक्वेंस है अमीनो एसिड की वो हमको मिलेगी, वो PDB फाइल के डेटा में होगी. उसको पहले हम लोग सी लेवल के ऊपर ऑटोमेशन से सेकेंडरी स्ट्रक्चर उसका प्रेडिक्ट करेंगे. सेकेंडरी स्ट्रक्चर मोस्टली क्या होता है, अल्फा बीटा, मेजरली अल्फा है एंड मेजरली बीटा है. अल्फा बीटा के कुछ कुछ क्लास है जो यहाँ पे मेंशन किए हैं. इसके बाद ए लेवल पे उनका कंपैरिजन किया जाता है, डोमेन के अंदर उनको डिफाइन किया जाता है, राइट. डोमेन जो है वो डिसाइड होती है ए लेवल पे एंड दैट इज मैन्युअल. डोमेन डिफाइन करने के लिए डोमेन इज अ बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन. उसमें इवोल्यूशनरी अगर दो प्रोटीन सिमिलर है एक दूसरे के साथ तो दे विल रिमेन क्लोज, राइट. ए लेवल होने के बाद टी लेवल होता है. ए लेवल इज मैन्युअल, सी लेवल इज ऑटोमेटेड. आफ्टर दैट टोपोलॉजी लेवल डिफाइन होता है जो सेमी ऑटोमेटेड है. इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर से कैसे बाइंड होता है वो भी देखते हैं एंड देन कंपेरिजन करते हैं. कंपेरिजन करने के बाद उस प्रोटीन को हम लोग एक फैमिली के अंदर ग्रुप कर देते हैं, राइट. दैट इज अ टोपोलॉजी. फोल्ड फैमिली लेवल तक का ग्रुपिंग होता है. नाउ एस लेवल मीन्स सुपर फैमिली तक का लेवल होगा, दैट ऑल्सो कॉल्ड एज अ एच लेवल. यहाँ पे जिस जिस फैमिली के अंदर सिमिलैरिटी होगी वो एक ग्रुप में ऐड हो जाएंगे और उसको सेम ग्रुप में क्लासिफाई करने के बाद एस लेवल का क्लासिफिकेशन जो है वो होता है. सो दिस इज कैथ क्लासिफिकेशन की विच बेसिकली इन्वॉल्व स्ट्रक्चरल यूनिट एज वेल एज इवोल्यूशनरी यूनिट और हायरार्कियल क्लासिफिकेशन चार लेवल पे देता है, दैट इज CATH. C इज क्लास लेवल, A इज आर्किटेक्चर लेवल, T इज टोपोलॉजिकल लेवल एंड H इज होमोलॉजिकल लेवल. एंड ये पूरा प्रोसेस जो है वो यूज होता है टू क्लासिफाई द प्रोटीन. PDB फाइल को लेना है एंड पूरा कैथ क्लासिफिकेशन जो है वो करना है. और ये हमें कौन प्रोवाइड करता है, कैथ डेटाबेस करता है. नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सब्जेक्टिव एग्जाम, आप सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपको कैथ क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ मेंशन करना हो, तो इन दैट दिस इज अ इंट्रोडक्टरी पार्ट कि ऑन व्हाट बेसिस दिस कैथ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड, राइट. देन यू नीड टू डिफाइन दिस लाइक सेम एज मेंशन इन दिस वेबसाइट लाइक PPT. CATH, C फॉर क्लास, A फॉर आर्किटेक्चर, T फॉर टोपोलॉजी, H फॉर homology and this number of classification of protein is available. Then protein family kya hoti hai, super family kya hoti hai, ye humne aur domain kya hota hai ye humne hum samajhne ke liye rakha hai. Isko aap aapke answer mein mention karo nahi karo ye aapke upar hai. This flow chart must be mentioned in your answer because ye aapko pura overall process kya hai wo samjhayega. Last is you need to explain this C level, A लेवल, T लेवल एंड H और S लेवल. इसमें जितने भी पॉइंट मेंशन किए हैं ऑल द पॉइंट शुड बी मेंशन प्रॉपरली और आपको इसको पॉइंट में भी आप लिख सकते हो. ये हुआ जो सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके बारे में. जिन्होंने ये वीडियो खाली नॉलेज के लिए ऑब्जर्व किया है, सो एट द एंड ऑफ द वीडियो यू कम टू नो दैट
कैद क्लासिफिकेशन करके एक सिस्टम प्रेजेंट है, जिस सिस्टम की वजह से हम प्रोटीन का इवोल्यूशनरी एज वेल एज स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। आपको कैथ अंडरस्टैंड करने के बाद ये समझ यू शुड गो विद ऑन द वेबसाइट आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस वीडियो लेक्चर एंड फाइंड आउट कि क्या क्या चीजें और कैथ की वेबसाइट के ऊपर प्रेजेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल को जो आपको अगर आप प्रोटीन के ऊपर काम कर रहे हो तो आगे जाके जो है वो हेल्प करता है। ओके, सो दिस इज अबाउट कैथ एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टू structural database, one is PDB and second one is CAP. Okay, if you like the video, please like it, share the link and subscribe the channel. Subscription karo channel ka, ki bioinformatics ke upar aur naye naye jo data hai wo main yahan pe upload karne wala hu. Okay, thank you.